तो ये देखिए एक पोटली हम तोड़ करके देख लेंगे। देखिए इस तरह से आप अंदर स्टफिंग देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत क्रंची है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मीठी चटनी ली है, तो मीठी चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आई होप आप सुन पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी और प्लीज लिख करके शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी। ना तो ये समोसा है ना कचौरी है, बट ये बहुत ही टेस्टी स्नैक है। होली पर सभी मीठा खा खा कर तंग आ जाते हैं, तो कुछ चटपटा अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो आप अपने घर में ये नया स्नैक जरूर ट्राई कीजिए। आइए शुरू करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे से हम डो बनाएंगे। 1/4 कप घी और यूज करूंगी थोड़ा सा पानी। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप डालडा भी डाल सकते हैं। साथ ही लिया है मैंने आलू भुजिया। ये देखिए मैंने आलू भुजिया ली है यहाँ पर 1 कप के करीब। इसकी हम स्टफिंग करेंगे, बट उस स्टफिंग को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच का और हरा धनिया। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां। इन सब के साथ आपको किसी चटनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें खुद ब खुद चटनी के सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। और साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस नमकीन को, हरे मिर्च को और अदरक को हम मिक्सी कप में डालकर पीस लेंगे और इन दोनों को मैं बारीक चॉप कर लूंगी। डो में हम 1/2 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे, तो जल्दी से इसका डो बना लेंगे हम पहले। तो डो बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें घी डाल देंगे। ये 1/4 कप घी है। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घी मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से जुड़ने लगेगा। ये देखिए, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे। इसका हमें ज्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, चपाती की तरह का डो लगाना है, यानी कि रोटी की तरह। अगर आप इसका ज्यादा टाइट डो लगा लेंगे तो इसे चिपकाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए सेमी टाइट डो रेडी है। तो मैं इसे गीले कपड़े से ढक दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर जार लिया है, इसमें डालेंगे हम ये, मैंने यहाँ पर आलू भुजिया ली है। आप कोई भी अपने फ्लेवर जो कि आपको पसंद हो वाली भुजिया ले सकते हैं। इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा थोड़ा ये पुदीना और धनिया। बाकी हम इसमें चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना ही मिलाएंगे। और इसमें डालेंगे हम ये अमचूर पाउडर और नमक। इसमें ऑलरेडी है तो इसमें हम ज्यादा नमक ऐड नहीं कर रहे हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो इस तरह का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। दरदरा पीसना है हमें इसे, बहुत फाइन नहीं करना। तो मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें ये पुदीने की पत्ती डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे ये धनिया की पत्ती और इनको निकाल लेंगे हम एक बाउल में। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए स्टफिंग रेडी है। अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए डो को रेस्ट करने के बाद हमने मसल लिया है 2-3 मिनट के लिए और डो बिल्कुल रेडी है। सेमी सॉफ्ट डो है, ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है। तो इसी तरह का डो चाहिए हमें अपना ये स्नैक बनाने के लिए। और साथ में यहाँ पर लिया है हमने स्टफिंग। तो आइए जल्दी से हम स्नैक बना लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे पहले बेल करके रेडी कर लूंगी। इसको हम इस तरह से बेल लेंगे पहले। ना तो इसे बेलने के लिए सूखे आटे की जरूरत है ना ही ऑयल की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी मौन है तो ये इजीली बेल जाएगा। इसे एक बड़ी सी शीट बेल लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे शीट बेल करके रेडी कर ली है। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की कटोरी ली है जिससे कि हम इसके सर्कल्स कट कर लेंगे। बाकी के डो को दोबारा से हम बेल लेंगे। तो ये देखिए एक बार में इस तरह से हमें 6 जो हैं वो पीसेस मिल जाएंगे, 6 सर्कल्स, और इनको हल्का सा बेल लेंगे ताकि जब हम इन्हें उठाएंगे तो ये श्रिंक नहीं होंगे, क्योंकि मैदा अक्सर श्रिंक हो जाता है। तो ये देखिए अब हम एक सर्कल लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इसको सील करने के लिए। इसको मैंने छोटी पूरी के साइज का लिया है। इसको पानी लगा दें चारों तरफ, थोड़ा सा जगह छोड़ करके इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। एक चम्मच से ज्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये फिर फटने लगती हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह से चारों की तरफ से पकड़ेंगे किनारों को, और इस तरह पकड़ने के बाद इसको फिर यहां से इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए इस तरह इकट्ठा करने के बाद हम इसको इस तरह से हल्का ट्विस्ट कर देंगे और इसको दबा देंगे। इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, बस इसको पानी लगा करके सील करें। तो ये बहुत ही इजीली बन जाती हैं और फ्राई करने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो मैं इस तरह सभी पोटली रेडी कर लूँगी। और ये पोटली बनाने का एक और ईजी तरीका ये है कि आप इस तरह से ये जो आपने छोटी पूरी बेल कर रखे रखी है ये ले लें और इसको चारों तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़ करके पानी लगा दें इस तरह राउंड में। पानी लगाने के बाद इसके सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद आप इसको गुजिया की शेप दे दें इस तरह से, और इसके एजेस जो हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरह चिपका दें। गुजिया की शेप देने के बाद ये आसानी से चिपक जाएगी। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ से इस तरह, और यहाँ पर इसको पिंच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से भी आसानी से ये पोटली रेडी हो जाती है और खुलती भी नहीं है। तो इसी तरह से मैं सभी पोटली रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पोटली रेडी कर ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम हीट पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, हम थोड़ा सा डो डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए देखिए डो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑयल जो है वो परफेक्ट है, एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके पोटली डाल देंगे। बस ध्यान रखें कि पोटली का जो मुंह है वो अच्छे से सील करें ताकि वो फटे नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि फटने पर ऑयल खराब होने का डर रहता है। तो मैं बाकी की पोटली भी इसी तरह से रेडी कर लूंगी। हम इन्हें मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इन्हें पलटेंगे। शुरू शुरू में इन्हें पलटने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जैसे जैसे ये फ्राई होने लगेंगी ये आप इजीली पलट पाएंगे। इन्हें अलट पलट कर सेक लेंगे हर तरफ से अच्छे तरीके से। अगर कोई भी पोटली खुल जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर हो जाता है कि अगर आप इन्हें सील भी करें तब भी ये हल्का फुल्का सा इसमें कोई क्रैक आ जाए। देखिए इनको हम पलट देंगे, एक तरफ से गोल्डन होने के बाद हम दूसरी तरफ से पलट देंगे और पलट करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और गोल्डन सेक करके रेडी है। तो अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सभी पोटली फ्राई कर ली हैं और ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनी है। अगर आपसे पोटली फोल्ड ना हो तो आप इस तरह से कचौरी बना सकते हैं छोटी छोटी। ये देखिए कुछ इस तरह की बनेगी, बिल्कुल खस्ता करारी और अंदर से इस तरह से स्टफिंग भरी हुई। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ, कॉफी के साथ, इसी तरह से स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये 1 से 1.5 महीना इजीली चल जाती है। 1 महीने तक तो बिना फ्रिज के भी नहीं खराब होती। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर मीठी चटनी ली है, तो मीठी चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप आप सुन पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी और मुझे लिख करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय।